जग जीत ले। चार्ली क्लास में ध्यान दो, कल से टेस्ट है और ये रिजल्ट्स फाइनल में काउंट होंगे और जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इनाम मिलेगा। ये बिलाल लाइट जली तब मेरा फॉर्मूला काम किया। और आप कब आए? अभी कुछ देर पहले। अंकल आज कोई नया इन्वेंशन नहीं लाए? आज तो मैं ये लाया हूँ। एक पेंसिल? हाँ मगर ये ऐसी वैसी पेंसिल नहीं है। इसे कहते हैं चिप चॉप पेंसिल। ये देखो इस पेंसिल में यहाँ मेमोरी चिप है जिसमें तुम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक पेंसिल सवाल देखती है और फिर स्कैन करके डेटा से सही जवाब खुद ही ढूंढ कर लिखना शुरू कर देती है। इससे साइंटिस्ट्स और टीचर्स आसानी से कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अरे वाह, ये चिपचॉप पेंसिल तो कमाल का इन्वेंशन है। हाँ पापा। ठीक है बच्चों, अब तुम टेस्ट लिखना शुरू कर सकते हो। अरे ये चार्ली ऐसे अजीब तरह से क्यों लिख रहा है? तुम्हारा विषय है जू। अब आएगा मजा। जू में हर तरह के प्राणी रहते हैं जैसे सांप, बंदर और लगता है हमारे प्रिंसिपल को भी जू में रहना चाहिए। इतना हिस्ट्री पढ़ाती हैं कि अगर वो जू में होती तो जरूर डायनासोर होती। हाँ? अब टीचर ये मैंने ये चिपी चॉप पेंसिल ने लिखा है। चिपी चॉप? अच्छा तो इस पेंसिल में कोई जादू है? हाँ नहीं, मुझे माफ कर दो टीचर प्लीज। रुको अभी जाकर प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। चिपी चॉप ये तुमने क्या कर दिया? अब प्रिंसिपल मुझे नहीं छोड़ेगा। चार्ली, चार्ली एक ऑटोमेटिक स्मार्ट पेंसिल की वजह से फर्स्ट आ रहा था। मैंने चार्ली की पेंसिल बदल दी और उसमें ये जोक्स डलवा दिए। जाओ राजू, इसे
पकड़ना क्यों चाहते हो? उसने मेरे लंच बॉक्स से खाना चुराया है। पर इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हाथ से पेट में गया ना। चाली। अच्छा, मेरा लंच बॉक्स ले लो। ठीक है, नुकसान तुम्हारा। तुमने चार्ली का खाना क्यों चुराया? मेरे पापा की बकरियाँ चोरी हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। आर्य नगर में चोरी? कहाँ हुई बकरियों की चोरी? पुराने किले में। वहीं तो जा रहे हैं हम पिकनिक के लिए। पिकनिक यहाँ डेंजरस है। क्यों? कुछ महीनों पहले यहाँ से पहरेदार बुलबुल अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि अब उसका भूत यहाँ पर घूमता है। देखना पड़ेगा आखिर कौन है जो हमसे पहले वहाँ पिकनिक मना रहा है। बचाओ बचाओ। रुको रुको, मुझे बताओ क्या हुआ है। भूत, मेरी गाय गायब हो गई। अब वो मुझे मारने आ रहा है। अब तो डरने से काम नहीं बनेगा। यहाँ तो सिर्फ एक प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए मूवी। या इसे भी कोई भूत चला रहा है। कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। माइटी राजू का अलर्ट पुराने किले से। वहाँ तो भूत के होने की खबरें हैं। कौन हो तुम? मेरे ही घर में आके मुझसे ही पूछ रहे हो कि कौन हूँ मैं? बुलबुल पहरेदार। सही पहचाना, होशियार लगते हो। अभी होशियारी देखी कहाँ है? चलो अपनी दुकान बंद करो वरना मेरी होशियारी चालू हो जाएगी। नादान बेवकूफ नन्हे बच्चे। एक भी छूटकर भाग ना पाए। तब तक मैं और मोबी गुलबुल को सबक सिखा कर आते हैं और कमिश्नर खन्ना भी आते होंगे। देखा मुझसे भिड़ने का नतीजा। आर्य नगर तो बचने से रहा मगर इस चक्कर में तुम दोनों भी जिंदगी भर तड़पोगे क्योंकि मैंने तुम दोनों के हाथों में भी इनविजिबल बैंड्स बांध दिए हैं। चारों तरफ देखो, वो यहीं कहीं होंगे। सर ये देखिए विंसी। विंसी, और ये चाल कैसा है? इसमें तो कोई कैद भी नहीं है। उतारो इसे, इनमें मुजरिम है। इन्हें माइटी राजू ने पकड़ा होगा। लेकिन माइटी राजू है कहाँ? माइटी राजू कहाँ हो तुम? माइटी राजू, मोबी, यहाँ क्या हो रहा है?
तुम सब गायब कैसे हुए? कमिश्नर खन्ना, अभी बताने का वक्त नहीं है। ओ। चलो मोबी। नहीं, उसे मत छूना। ये तुमने क्या किया बेवकूफ? होशियारी, तुम ही देखना चाहते थे ना? तुम अकेले ही भूत से निपट आए माइटी राजू। भूत नहीं खन्ना अंकल, यहाँ का पहरेदार गुलबुल। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बेवकूफ बच्चे। गिरफ्तार कर लो इसे। अच्छा हुआ कि तुमने इस भूत की पहेली सुलझा दी। हाँ कमिश्नर अंकल, अब कम से कम हमें सिर्फ इंसानों से निपटना होगा। बच्चों, सबसे पहले हम एक नए दोस्त का स्वागत करेंगे जो जापान से हमारे साथ कुछ दिन बिताने आया है, हमारा नया एक्सचेंज स्टूडेंट ज़ाओ। अंदर आ जाओ ज़ाओ, यहाँ सब तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे।
रोकने में मदद की। थैंक यू ज़ो। विजेता को इनाम मिलेगा, इसे तो मैं ही जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन चार्ली, पिछली बार भी राजू ही जीता था, उसे कोई नहीं हरा सकता। हाँ, और पिछली बार तो तुमने सिर्फ एक शार्पनर बनाया था। इसका नाम है स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये मेरे ऑर्डर पर उड़ता और रुकता है। ये वॉइस कंट्रोल्ड प्लेन है, देखना है? हाँ, दिखाओ। रुक जाओ स्पीड। के साथ तो राजू ही जीत जाएगा। मुझे इसका प्लेन तोड़ना ही होगा। Thanks, Moby.
माइटी राजू, जल्दी से गवर्नमेंट लैब में पहुंचो, इमरजेंसी है। अभी आया कमिश्नर अंकल। ये टायर को क्या हो गया? किसी ने इन्हें लॉक कर दिया है। लॉक? वो सबको इस रिमोट से लॉक कर रहा है। ये लॉकिंग रिमोट कंट्रोल है। हाँ माइटी राजू, और ये सिकंदर का काम है। हाँ बोलो ऑफिसर। अब सर, अभी अभी कुछ मिनटों पहले आर्यनगर पब्लिक स्कूल और दूसरे काफी इलाकों में लोग लॉक हो गए। माइटी राजू, ये सिकंदर तो पूरे शहर को लॉक करते ही जा रहा है। कमिश्नर खन्ना, मैं इस सिकंदर को रोकता हूँ और आप लोगों को संभालिए। ओके। प्रिंसिपल सर से ट्रिप के बारे में पूछते हुए सुना था। अच्छा है, सब मिलकर मस्ती करेंगे। क्या बुलाया तुमने मुझे? चार्ली, बच्चों आज होगा एक फील्ड ट्रिप। हम इस ट्रिप पर कहाँ जाएंगे मैडम? वही जहाँ आप सबका एक पसंदीदा स्नैक बनता है। आइसक्रीम? बिल्कुल, हम आज एक आइसक्रीम फैक्ट्री देखने जाएंगे। ये! अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब सब कतार बनाकर गेट के पास खड़ी बस में चढ़ जाओ। मस्ते क्रीम, ढेरों क्रीम, करो क्रीम और आइसक्रीम। वो रही आइसक्रीम फैक्ट्री। वाह, चलो राजू। आइसक्रीम बनाने में सबसे पहले सारी सामग्री को सही नाप में लेकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। उसके बाद उस मिश्रण को पाश्चराइज किया जाता है, मतलब उसके अंदर के कीटाणु मार दिए जाते हैं। जैसे दूध को उबालकर? बिल्कुल। फिर इस मिश्रण को एक प्रक्रिया से फेंटा जाता है ताकि आइसक्रीम मुलायम और मलाईदार बने। फीते मलाई मिश्रण को तकरीबन रात भर फ्रीजर में जमा कर उन्हें अलग अलग फलों के रस या अन्य सामग्री के साथ मिलाकर अलग अलग फ्लेवर्स बनाए जाते हैं। सामने आके चख कर देखो। वाह, मेरा पॉपकॉर्न और टॉफी। वाओ, चॉकलेट बिस्किट और जेली का स्वाद। ये तो बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसा है। मेरा सबसे खास फ्लेवर होगा। अरे नहीं, वो काली मिर्च वाला फ्लेवर था। पानी 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 पानी। चार्ली को आइसक्रीम नहीं, स्पाइस क्रीम मिली। चलिए टूर खत्म करें। हाँ
ये तुमने ठीक नहीं किया चार्ली। अगला नंबर तुम्हारा है राजू। चार्ली ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्लासरूम है, कोई एयरपोर्ट नहीं। और जैसे इस पुराने नक्शे में दिखाई पड़ रहे आर्यनगर सदियों पहले एक पहाड़ी इलाका थी, लेकिन पुरातत्व खोज के अनुसार 2 शताब्दियों पहले एक घमासान भूकंप हुआ था जिससे पहाड़ के घाटी में बसे इलाके जमीन के तले दब गई और आर्यनगर के इर्द गिर्द समंदर की सतह बढ़ गई। घंटी बज गई। ये चलो चलो। हेलो कमिश्नर खन्ना, तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना। जोकर नमस्ते, मैं हूँ पिनाको विदूषक। कुछ बलून वाले करतब दिखाऊं? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ विदूषक, ये बच्चे रोको, कोई इस जोकर को रोको, ये चोरी करके भाग रहा है। मेरा पीछा करना बंद करो। वो देखो जोकर। इसके स्कूटर पर इतना सोना कहाँ से आया? और ये सूटकेस? हेलो बच्चों। हेलो मिस्टर पुलिस, मैं तुम्हारे आइसक्रीम को बखूबी जगल कर सकता हूँ। पिनाको आपको दिखाएगा दुनिया की सबसे अच्छी जगलिंग। मेरी आइसक्रीम। मिस्टर पिनाको, आपको हमारी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। पिनाको को जो चाहिए वो ले लेता है। ले लिया, ले लिया, ले लिया। रुको पिनाको, मेरा पीछा करना बंद करो। टाइम फॉर माय जगलिंग पर बड़ा घमंड है, यही इसकी कमजोरी है और इस जगलिंग के सहारे ही मैं इसे रोक सकता हूँ। हे पिनाको, तुम अपने आप को बहुत अच्छा जगलर समझते हो ना? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मेरी दी हुई चीजों को जगल करके दिखाओ तो तुम्हें माने। ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। आप अपनी पुलिस बैंड यहाँ जल्दी ले आइए। बहुत खेल लिया पिनाको, अब तुम्हारा खेल खत्म। Yeah.
की।